नमस्कार दोस्तों मैं राहुल बात करेंगे यहाँ पर भाई आईसीसी रैंकिंग की आपको पता है कि सिराज नंबर वन बन गए वहाँ पर बॉलर्स की रैंकिंग में और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि जब हम बात करते हैं बॉलिंग की कहीं कही ना कहीं दुनिया बात कर रही थी पाकिस्तान के बॉलर्स की या फिर बात करते थे ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की लेकिन जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग करी बुमराह ने बॉलिंग करी और कुलदीप ने बॉलिंग करी कहीं कही ना कहीं काबिल तारीफ़ वहाँ पर परफॉर्मेंसिस उनकी रही सिराज नंबर वन बने बॉलिंग में फिर नौवे नंबर पर कुलदीप यादव भी आ गए लेकिन ये नजरें ये भी थी कि भाई गिल को कितना फ़ायदा होता है क्योंकि आपको पता है कि बाबर और गिल कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि बोलोगे कि गिल अगर कोई बाबर का रिकॉर्ड अभी तोड़ सकता तो गिल है वहां पर और गिल ने जिस तरीके से भाई एशिया कप में रन्स करें चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट के मैच की बात करें बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच की बात करें और कहीं ना कहीं आप बात कर सकते हो भाई वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए अच्छी खबर है कि गिल अच्छा कर रहे हैं कुलदीप सिराज सब यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग से बैटिंग से और कहीं ना कहीं अब बाबर आजम का भाई रिकॉर्ड ख़तरे में है अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वहां पर गिल रन कर जाते हैं एक एक शतक है एक फिफ्टी कर जाते हैं वहां पर तो कहीं कही ना कहीं आप बोलोगे बोलोगे कि भाई बाबा आजम नंबर वन की पोजिशन से हट जाएंगे या फिर गिल के दो शतक भी आ जाए तो कहीं कही ना कहीं फिर हम यही बात करेंगे कि भाई बाबा आजम कहीं ना कहीं आपके नंबर वन से हटेगी और गिल नंबर वन बन जाएंगे और बात ये भी ना जब जब हम बाबर आजम की हम बात भी करते हैं हर कोई हिंदुस्तानी चाहता है कि यार हमारे बल्लेबाज नंबर वन हो और बड़े टूर्नामेंट भी जीता है जिस तरीके से हम बात करते हैं गिल ने एशिया कप जिताने में बड़ी अहम भूमिका निभाई जब हम बात करते हैं बांग्लादेश वाला मैच हो वहाँ पर इंडिया जीत नहीं पाई थी पर पाकिस्तान वाले मैच में आपने देखा कि जिस तरीके से स्टार्ट रोहित तो और गिल ने दिया था एक नींव रख दी थी कि भाई टीम इंडिया वहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा कर सके और वहां पर साढ़े तीन सौ रन इंडिया ने करे और फिर पाकिस्तान की टीम पूरे मैच में आपको कहीं नजर भी नहीं आई तो एक बार चलाते हो रेटिंग आप आईसीसी रैंकिंग चलाइए तो आईसीसी रैंकिंग आप चलाइए वहां पर बताते हो आपको फुल फ्रेम करिए आईसीसी रैंकिंग को आप एक बार तो भाइयों को दिखाई दे यहाँ पर तो भाई आप ये देख रहे हो बाबर आजम अभी आपके नंबर वन पर कायम है लेकिन शुभमन गिल जो है एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे सुभमन गिल को आप देख रहे हो आठ रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है तीसरे नंबर पर आपके आरवीडी है साउथ अफ्रीका के और इनके भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी जबरदस्त सीरीज रही है भाई वहां पर अफ्रीका ने तीन दो से ऑस्ट्रेलिया को हराया है इमामुल हक भी आप देख रहे, देख रहे हो चौथे नंबर पर है हैरी टैक्टर आयरलैंड के पांचवें नंबर पर है डेविड वॉर्नर को भाई दो स्थान का नुकसान हुआ है डेविड वॉर्नर आपके छठे नंबर पर है क्विंटन डी को ठीक ठाक रन करे थे उन्होंने सातवें नंबर पर है लेकिन किंग कोहली अब बात करते हैं पर किंग कोहली को जब आप देखते हो आठवें नंबर पर आ गए एक स्थान का फायदा है और कहने हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई किंग कोहली रोहित शर्मा आपको नजर आ रहे हैं यहां पर दसवें नंबर पर है किंग कोहली रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये तीन बल्लेबाज आपके भाई आईसीसी की टॉप टेन की रैंकिंग में बने हुए और कहीं ना कहीं जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इन पर सबसे ज्यादा नजरें भी रहेगी कि भाई गिल रोहित तो विराट हमें रन करके दे और हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई जब हम बात करते हैं और गिल उभरते हुए सितारे जिस तरीके की, की उनकी परफॉर्मेंसेज रही है गिल की वहां पर आप ये बोलोगे भाई पहला एशिया कप इन्होंने खेला यहाँ पर इस टाइम पर और पहला ही एशिया कप जिताने में इनकी अहम भूमिका यहाँ पर टीम के लिए रही और अच्छा भी यार कि आपके यंग स्टार अच्छा कर रहे तो एक बार आप चलइए वहाँ पर शुभमन गिल के आप रिकॉर्ड चलाइए ये।, ये भाई आप प्रिंस गिल के रिकॉर्ड देख रहे हो यहाँ पर जिन्हें प्यार से प्रिंस गिल बोला जाता है नाम भाई का शुभमन गिल है वैसे तो टेस्ट में आप देख रहे हो इनके टेस्ट में थोड़ा आप अभी बोलोगे कि भाई एवरेज थोड़ी कम है पर ओडिया में जब आप इनके स्टेट देखते हो तो कई बल्लेबाज इनके आसपास भी नहीं टिकते ओडीएम में आप तैंतीस मैचेस देखते हो इनके एक हजार सात सौ उनतालीस रन और चौसठ पैंसठ की एवरेज है भाई पांच शतक आठ फिफ्टी और इस साल तो आप ये बोलोगे भाई इनसे जबरदस्त ईयर किसी का नहीं रहा है और जब हम बात करते हैं यहां पर आपके वर्ल्ड कप की तो अगर इन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया तो कहीं कही ना कहीं आप बोलोगे भाई कि क्या ही प्लेयर इंडिया को मिल गए क्योंकि एक लेगेसी को कहीं कही ना कहीं ये अब आगे आने वाला टाइम गिल हो, हो गया ईशान हो गया इन्हीं का इन्हीं का टाइम है क्योंकि रोहित तो आपको मुश्किल ही लगता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली आपको दो के पचास ओवर के ओडिया वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई दे तो अच्छी बात है यार जब सचिन पाजी गए तो हमें विराट मिले अब विराट अगर जब जाते तो एक कहीं ना कहीं एक प्लेयर हमारे लिए तैयार हो जाएगा जिसका नाम प्रिंस गिल होगा और आने वाले टाइम पर कई रिकॉर्ड वो दरसाई करेंगे बाबर आजम पर रिकॉर्ड लगते कि भाई आप नंबर वन बन तो गए पर आप जीते क्या हो इस बार भी एशिया कप नहीं जीत पाए पीछे लास्ट ईयर भी एसे कप नहीं जीत पाए थे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे गिल को आप देखो ठीक है गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के लिस्ट में और वहां पर गिल के रन इंडिया के काम आए और इंडिया की टीम एशिया कप जीती है तो एक बार आगे चलाइए 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 वो तो भाई ये आंकड़े आप देख रहे हो सुभुमन गिल के यहाँ पर छः मैचिस में तीन सौ दो रन थे पिछहत्तर की एवरेज थी यहाँ पर और कुशल मंडिस के अच्छे रन थे पैंतालीस की एवरेज लेकिन जो बाबर आजम बोला जाता है कि भाई उनका आप देख लीजिए नेपाल के अगेंस्ट हतक बाकी फिलोप है और नेपाल तो मतलब एक ही गली मोहल्ले के बच्चे भी उनके अगेंस्ट रन्स कर सकते हैं भाई ऐसी टीम है नेपाल की अभी तो और बाबर आजम आजम की जब हम क्वालिटी की बात करते हैं फिलोप रहे बिल्कुल फिलोप यहाँ पर बाबर अजम पूरी तरीके से फिलोप रहे हैं और तभी उन पर कहीं कही ना कहीं आलोचना ज्यादा होती है कि भाई आपको नेपाल की या वेस्ट इंडीज की टीम दी जाए तो आप रंस करते हो पर बड़े टूर्नामेंट में आप रन नहीं करते बाबर ने ऐसा नहीं है बाबर ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अगेंस्ट भी रंस करे पर दिक्कत इनके साथ ये कि भाई जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो अपनी बैटिंग में दमखम नहीं दिखा पाते तो भाई यही दुआ करते हैं कि भाई इंडिया के शुभमन गिल वहां पर नंबर वन बल्लेबाज बने और ये आप बाबर के आंकड़े भी देखते हो ओडिया में आंकड़े उनके ठीक ठाक है ऐसा नहीं ओडिया में आंकड़े अच्छे नहीं छप्पन के एवरेज है उन्नीस शतक है लेकिन आप देखते हो कि वहां पर की जब बात होती है और कहीं ना कहीं ये चर्चा हमेशा होगी कि यार बाबर आजम ने बैटर बड़े अच्छे हैं पर क्या बड़े टूर्नामेंट में वो रन कर पा रहे नहीं कर पा रहे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में नहीं कर पा रहे थे या ओडीआई का फॉर्मेट आपका वर्ल्ड कप देखते हैं वर्ल्ड कप में गिल बाजी मारते हैं फिर बाबर आजम बाजी मारते हैं उम्मीद यही करेगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शुभमन गिल वहां पर रनस करे और नंबर वन की पोजिशन हासिल करे और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जीता क्योंकि रैंकिंग का फायदा तभी है जब आपकी टीम जीतती है अगर आप नंबर वन और वर्ल्ड कप भी जिता रहे हो एशिया कप जिता रहे हो आप तो फिर बात ही कुछ और होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप बताइए कि भाई इस वीडियो में आपको क्या लगता है कि बाबर आजम रन ज़्यादा करेगा वर्ल्ड कप में या फिर गिल आपके ज़्यादा रन्स करेगी अभी के लिए लेते इजाज़त जय हिंद जय भारत